हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का अपने चैनल सार टेक्निकल गुरु चैनल में। दोस्तों बेसिकली आज मैं बात करने वाली हूँ आज की इस वीडियो में कि आप अपने चैनल को जो है कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल को कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, क्या क्या सेटिंग होती है वो मैं करके बताऊंगा। बेसिक सेटिंग होती है जिसके बिना पे आपका चैनल ग्रो करेगा और आप पे भी सब्सक्राइबर व्यूज सारा कुछ आएंगे और वॉच टाइम कम्प्लीट हो जाएगा अगर आपने कम्प्लीट नहीं किया है तो। असल कुछ सेटिंग्स होती है यूट्यूब की, अगर वो कर लेंगे, अगर नहीं करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपका चैनल जो धीरे धीरे नीचे ही चला जाता है, मतलब डाउन होता जाता है। अगर इसी को अप करना है, ग्रो करना है तो किस तरीके से करना है, क्या क्या सेटिंग होती है, वो सारा कुछ मैं आपको इसमें बताऊंगा। और साथ ही में मैं आपको एक और चीज में बता देना चाहता हूं कि अगर आपके चैनल के साथ ये भी प्रॉब्लम है जैसा कि देख रहे हैं स्क्रीन पे, जिसमें सिर्फ आपको वीडियो दिख रही है, उसमें ऑप्शन नहीं दिख रहा, जिसमें वीडियो का अलग, प्लेलिस्ट का अलग, उसके बाद अबाउट का सेक्शन जो होता है अलग, कम्युनिटी का होता है अलग, मतलब अलग अलग फाइल नहीं बनी हुई है, बल्कि सिंपली सा कि आपका सिर्फ जो है एक ही है जिसमें वीडियो ही दिख रही है। तो ये भी सोल्यूशन को कैसे इसका शॉर्ट आउट होगा वो भी मैं आपको प्राइस में बताऊंगा। आपको करना क्या होगा, सिंपली सा पूरी वीडियो को वॉच करिए, वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और ये मैं ये सारा ऑप्शन जो मोबाइल पर करके बताऊंगा, तो चलिए जल्दी से हम वीडियो अब स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल को कस्टमाइज करना है, चैनल ये है मेरा टेक्निकल फास्ट के नाम से, और यहाँ पे देख सकते हैं कि सिर्फ वीडियोज आ रही है, अभी एक वीडियो अपलोड की है। यहाँ पे जो ऑप्शन जो वीडियो ऑडियो सॉरी प्लेलिस्ट, उसके बाद जो है अवार्ड का जो आता है वो सारा नहीं आ रहा है, वो भी किस तरीके से आएगा तो वो इस चैनल में मैं करने वाला हूँ पूरा कस्टमाइज। तो चलिए मैं डायरेक्टली क्या कर लेता हूँ, इसको क्रोम ब्राउज़र जो है आपके मोबाइल में या इस टाइप का होता है क्रोम ब्राउज़र, इसे क्या करना है ओपन करना है। जैसे आप इसे ओपन करेंगे फिर उसके बाद जो है यहाँ पर सर्च कर लीजिए यूट्यूब, जैसे सर्च करेंगे ऐसे सर्च मारेंगे तो आपका जो है यूट्यूब ओपन हो जाए कुछ इस तरीके से। अगर खुलेगा तो सबसे पहले क्या करना है आपको, जो यहाँ पे थ्री डॉट जो बना हुआ टॉप में राइट में, तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको डेस्कटॉप मोड कर लेना है, डेस्कटॉप साइट जो है इस पर क्लिक करना है। तो आपका क्या होगा कि पीसी के बराबर हो जाएगा, मतलब जिस तरह पीसी में चलता है लैपटॉप के अंदर उसी तरीके से यहाँ भी चलेगा। उसके बाद क्या करना है, सिंपली कुछ इस तरीके से खुल के आएगा। तो आपको क्या करना है, अगर आपको बेटा वर्जन वाला बताया अगर दूसरे टाइप का तो कमेंट करिए, मैं उसके लिए भी सोल्यूशन ला दूंगा उसको कैसे हटा सकते हैं। तो हमको सिंपली सबसे पहले जो सेटिंग करनी है इसके अंदर, वो सेटिंग ये करनी है कि चैनल में जाना है, ये चैनल का जो ऑप्शन है लेफ्ट साइड में चैनल, इस पर क्लिक करना है। तो जैसे क्लिक करेंगे तो आपको अलग सा पेज आएगा, इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, चैनल को टॉप पे लाना है फर्स्ट पे। तो उसके लिए सेटिंग हमें क्या करनी है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि एडवांस वाला जो ऑप्शन है ये एडवांस में जाना है, सबसे टॉप में लाने के लिए जो होता है कि मतलब टॉप में चैनल आए तो उसके लिए, मतलब जब सर्च करें तो सबसे फर्स्ट में आए, तो क्या करना है उस पर एडवांस पे क्लिक करना है। जैसे एडवांस पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएगा, जैसे कंट्री का जो ऑप्शन आएगा सबसे फर्स्ट में, तो कंट्री अब जो भी सेलेक्ट करिए आपकी जो भी हो, मेरा इंडिया है तो इंडिया का सेलेक्ट किया हो। उसके बाद चैनल कीवर्ड्स, मतलब चैनल कीवर्ड का मतलब ये है कि आप अपने चैनल का नाम क्या रखना चाहते हैं, और हो सकता है कुछ लोग जो आपने टेक्निकल फास्ट, हमने जैसे टेक्निकल फास्ट रखा है, आपकी जिस भी कैटेगरी की हो वो कर रख सकते हैं। जैसे हमने टेक्निकल फास्ट रखा है, अगर कोई बंदा यहाँ पर, जैसे मैं लिख देता हूँ किस तरीके से लिखना है वो भी, इसी तरीके से लिखेंगे आप, इस स्पेस डाल के उसके बाद जो है एक ये लगा देना, चिन्ह लगा देना, उसके बाद जो है फिर लिखना है टेक्निकल फास्ट। अगर किसी ने टेक्निकल फास्ट सर्च किया और किसी को नाम नहीं पता है तो हो सकता है वो फास्ट टेक्निकल सर्च करेगा, तो वो भी इस तरीके से करना है। तो उसको मतलब कीवर्ड का मतलब है कि कुछ उल्टा सुलटा लोग क्या सर्च कर सकते हैं, तो वो चीज़ को सबसे पहले लिखना आपके लिए ज़रूरी होता है। तो मैं लिख देता हूँ फास्ट टेक्निकल, आप इसी तरीके से 5, 6, 7 कितने भी हो वो लिख दीजिए, कम से कम आप 5 तो ज़रूर लिखिए कम से कम। मैं जब तक के लिए 3-4 ऐड कर देता हूँ, जैसे टेक्निकल फास्ट, सिर्फ टेक्निकल डाल दिया, आप डाल लीजिए इतना, इसके अलावा जो भी डाल सकते हैं 4-5, इसी तरीके से जो हमने कॉलन लगाया ये लगाया है, इसको लगा करके आप जो है 3-4-5 नाम डिफाइन कर दीजिए। उसके बाद इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिंपली सा नीचे जाइए, स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये सेव का जो ऑप्शन है इस सेव पे आप ओके कर दीजिए। जैसे सेव पे करेंगे तो आपका जो है ये पहली चीज़ से सेव हो गई। अब दूसरी चीज़ करना है, यहाँ पे आपको अपलोड डिफॉल्ट का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको दूसरा ऑप्शन आएगा खुल के, जहाँ पर आपके जो डिफॉल्ट जो थे वीडियो अपलोड करने में वो चीज़ सेटिंग करने के लिए आती है। तो सबसे पहले क्या करना है इसमें कि प्राइवेसी, तो प्राइवेसी में आपको पब्लिक ही रहने दीजिए, अभी किसी कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, पब्लिक ही रहने दीजिए। उसके बाद सेकंड में आती है कैटेगरी, कैटेगरी मतलब आपका चैनल जो है किस चीज़ से रिलेटिव है।
तो हो सकता है आपको जो किसी एजुकेशन हो, कॉमेडी, एंटरटेनमेंट हो, फिल्म, एनिमेशन, गेमिंग, हाउ टू एंड स्टाइल, म्यूजिक, न्यूज़, मतलब कोई भी चीज़ हो आपका, हो सकता हो चाहे ब्लॉग का ही हो, जैसे पीपल एंड ब्लॉग का यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। मेरा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है तो मैं साइंस वाले पे क्लिक कर दूंगा, जिसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेट हो जाएगा। उसके बाद लाइसेंस का जो ऑप्शन आता है, आपका चैनल किस लाइसेंस में देना चाहते हैं, तो आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले मांगा स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस, जिस पे क्लिक होता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो हमको इसी पे रहने देना है, क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन पे नहीं करना है बल्कि स्टैंडर्ड ही पे रहने देना है। उसके बाद टाइटल, तो टाइटल भी रहने दीजिए टाइटल, क्योंकि हर वीडियो की टाइटल अलग अलग होती है। उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन भी अलग अलग होता है, टैग भी अलग अलग होता है, तो इस सब में तीनों में छेड़छाड़ नहीं करना है। सिंपली से आगे जो करना है वो वीडियो लैंग्वेज, तो वीडियो लैंग्वेज में क्या करना है, सेलेक्ट करेंगे इस पर, तो वीडियो लैंग्वेज में इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम बाय ओके कर दीजिए, आपको जो भी हो कर दीजिए उस पर। और उसके बाद इसमें भी कुछ नहीं करना, डायरेक्टली सेव कर देना है। जैसे सेव करेंगे तो सारा कुछ फिनिश हो चुका है, जो सेटिंग थी बेसिक सेटिंग हमने कर दी है। तो मैं उम्मीद करूँगा आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।